एक देश की नेशनल एंथम उस देश के लोगों को एक धुन में पिरोती है, रिमाइंड करती है कि तमाम डिफरेंसेस के बावजूद वो एक देश और एक फीलिंग को बिलोंग करते हैं। दूसरों के लिए हमारी एंथम बस एक धुन होगी, बट जब हमारी एंथम प्ले होती है तो हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर जब नेशनल एंथम प्ले होना शुरू हुआ ना, मैं रोने लग गया। That sense of pride overcomes rationality at times. It does. दुनिया की हर एंथम पेट्रियोटिक तो होती है, बट इनके फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं जो इन देशों के कल्चर, हिस्ट्री, बैक स्टोरी इन सब पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश की नेशनल एंथम। बिल्कुल हमारे एंथम की तरह इट वॉज ऑल्सो रिटन बाय कवि गुरु रविंद्रनाथ, बट दोनों एंथम्स अपने कैरेक्टर में एक दूसरे से काफी अलग हैं। हमारी एंथम लिखी गई थी 1911 में, एक ऐसा टाइम जो ब्रिटिश रूल अपने पीक पर था। इंडिया में तब नीड था लोगों को यूनाइट करने का, इसीलिए इंडिया की नेशनल एंथम एक प्रेयर है जो इंडिया के सारे रीजन्स को मेंशन करती है एकजुट हुए, भगवान से भारत के लिए आशीर्वाद मांगते हुए। ऑन द अदर हैंड, बांग्लादेश की नेशनल एंथम 1905 में लिखी गई थी जब बंगाल का बंटवारा हुआ था। इट वॉज अ वेरी डार्क टाइम इन बंगाल्स हिस्ट्री, इसीलिए ये एंथम इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन से चार्ज्ड है। बांग्लादेश की एंथम बंगाल की भूमि को माँ कहकर पुकारती है। एंथम की सबसे इमोशनली चार्ज लाइंस लास्ट में मिलते हैं। मातुर बोधन खानी मोलिन होले आमी नयन जले भाषी। यानी माँ, अगर तुम्हारे चेहरे पर दुख का साया भी पड़े तो मैं अपने आंसुओं में बह जाऊंगा। मैं जब पहली बार ये एंथम सुना तो मैं सोच में पड़ गया कि एंथम्स बस ग्रैंड और प्राउड नहीं होते, बांग्लादेश के एंथम की तरह वो सेंसिटिव और वल्नरेबल भी हो सकते हैं। बांग्लादेश के नेशनल एंथम से काफी सिमिलर है श्रीलंका का नेशनल एंथम। श्रीलंका की एंथम भी श्रीलंका को माँ, या इस केस में माता कहकर रिफर करती है। It also praises its land, nature and rivers. हमने पिछले एक वीडियो में डिस्कस किया था how Sinhala is actually related to Bangla. But इस anthem में एक और direct connection है Bengal के साथ। श्रीलंका के anthem के author हैं आनंदा समारकून। वो student थे at विश्व भारती University in शांतिनिकेतन। And therefore ये anthem रविंद्र संगीत के style में composed है। Another neighbor of ours, Nepal की national anthem is actually one of my favorites. नेपाल की एंथम भी नेपाल की डाइवर्सिटी को एक माला के 100 फूल की तरह डिस्क्राइब करती है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ज्योग्राफिकल वेरिएशंस ऑफ द कंट्री, फ्रॉम मेची इन द प्लेन्स टू महाकाली इन द माउंटेन्स। साथ साथ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट फ्रीडम, ब्रेवरी, इंडिपेंडेंस एंड प्रोग्रेसिवनेस। So, जैसा आप देख सकते हो, डिफरेंट कल्चर्स अपने एंथम्स में डिफरेंट क्वालिटीज को सेलिब्रेट करती हैं। मैं ये जानने के लिए काफी क्यूरियस था कि डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने एंथम्स में किन क्वालिटीज को डिस्क्राइब करती हैं। यू सी, डिफरेंट स्टडीज ये प्रूव करती हैं कि आपकी चॉइस ऑफ म्यूजिक इज डेफिनेटली कोरिलेटेड विद योर पर्सनैलिटी। इनफैक्ट एक काफी हटके रिसर्च में डेविड लेस्टर और जॉन गन ने ये फाइंड किया था कि वो देश जिनके एंथम की म्यूजिक में लोअर नोट्स होते हैं वहां पर रेट्स एवरेज के मुकाबले ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एंथम एक देश की पर्सनालिटी को कंट्रोल करती है, बट मोर लाइक एक कंट्री की मैक्रो पर्सनालिटी जैसे होती है उसके हिसाब से वो अपनी एंथम को भी पिक करती है। देयरफॉर डिफरेंट एंथम्स को कंपेयर करके हम डिफरेंट देशों के कल्चरल फाउंडेशंस में झांक सकते हैं। ओके, ये बड़ी बड़ी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, बट हम एग्जैक्टली करेंगे क्या? वन वे इसकी हम सारे 190 नेशनल एंथम्स को सुने, फिर उनकी मीनिंग्स को समझें, म्यूजिक को एनालाइज करें और फिर जो सिमिलर हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लस्टर करें। You see, I'm a programmer. मैं किसी चीज को ऑटोमेट करने में ज्यादा टाइम लगाना प्रेफर करूंगा than to do it manually itself. So, let's do some programming.
द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड कि हम एग्जैक्टली कंपेयर क्या कर रहे हैं। इस स्टडी के लिए हम बस लिरिक्स पर फोकस करेंगे। म्यूजिक एंथम का एक बड़ा कंपोनेंट है, बट म्यूजिक को कंपेयर करना इज एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव एंड इट रिक्वायर्स सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स लाइक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। एंड आई एम अ लेजी बॉय, सो लेट्स फोकस ऑन द ईजियर पार्ट। क्योंकि हर एंथम एक डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी गई है, द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रिंग देम ऑल टू अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। एंड वेल, सैडली और लकीली, दैट हैपेंस टू बी इंग्लिश। I found a dataset that has English translations of all the anthems of the world. Jo anthems originally English mein hai, unko as it is rakha gaya. Okay, so we have all the anthems in English. Now, all we need is a program to tell us which anthems are similar. But ek problem hai. Computers aise simple cheezon mein zyada hoshiyar nahi hote. For example, mother aur motherland. Ek computer ke liye ye completely different words hain. Even if agar aap mother shabd mein bas ek comma add kar do, to bhi computer ji ko lagta hai ki ye totally different words hain. Good job, computer. Therefore, पहले हमें डेटा को थोड़ा सिंपल बनाना पड़ेगा ताकि हम कंप्यूटर जी को स्पून फीड कर सके। पहला स्टेप है डेटा को टोकनाइज करना, which is a fancy word to say कि हम सेंटेंसेस को वर्ड्स में ब्रेक कर देंगे। ओके, नो बिग डील। इस स्टेप के बाद हम डेटा के सारे स्टॉप वर्ड्स एलिमिनेट कर देंगे, यानी कॉमन वर्ड्स लाइक ए एंड द ऑफ, ये सारे। ये ग्रामर के लिए तो सही होते हैं, बट ऑन देयर ओन इनका कोई मतलब नहीं होता। देयरफॉर हमें कंप्यूटर जी को बस कीवर्ड्स प्रोवाइड करने हैं, सो ऑफ द हेड्स। सिमिलरली फॉर द सेम रीजन हम सारे प्रोनाउंसिएशन सिम्बल्स लाइक फुल स्टॉप्स, कॉमास, अपोस्ट्रोफीज, ये सब भी रिमूव कर देंगे। गुड, द कंप्यूटर डज नॉट नीड देम। फाइनल स्टेप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एंड दिस इज कॉल्ड स्टेमिंग। व्हाट दैट मीन्स इज कि हर शब्द के मूल धातु को हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, शाइनिंग बिकम्स शाइन, फ्लू बिकम्स फ्लाई, लाफ्ट बिकम्स लाफ एंड सो ऑन। इस स्टेप में ऐसा हो सकता है कि द फाइनल वर्ड्स आर नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, बट दैट डज नॉट मैटर टू द कंप्यूटर। ये स्टेप एंथम से काफी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर देगी। अब हमारे एंथम्स काफी सिंप्लीफाइड हो गए हैं टू अ पॉइंट दैट दे लुक लाइक दे हैव बीन रिटन बाय अ ड्रंक 3-year-old किड, एग्जैक्टली व्हाट द कंप्यूटर नीड्स। बट वी आर स्टिल नॉट डन येट। फॉर अ कंप्यूटर टू बी एबल टू कंपेयर डेटा, डेटा को एक न्यूमेरिक फॉर्मेट में लाना होगा। हमें कोई तरीका सोचना होगा जिससे सेट ऑफ वर्ड्स कैन बिकम अ सेट ऑफ नंबर्स। टेक्निकली इस स्टेप को मशीन लर्निंग में बोला जाता है फीचर इंजीनियरिंग। वन वे टू डू दैट इज टू कैलकुलेट कि किसी एंथम में हर वर्ड की इम्पोर्टेंस कितनी है। फॉर दिस विल यूज अ टेक्निक कॉल्ड TFIDF या टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी टेक्निक। और एज आई वुड लाइक टू कॉल इट, जो वर्ड ज्यादा रिपीट हुआ है उसको ज्यादा स्कोर मिलेगा और जो कम रिपीट हुआ है उसको कम स्कोर मिलेगा टेक्निक। सिंपल। ये करने पर विल गेट अ ह्यूज टेबल विद 190 रोज, वन फॉर ईच कंट्री एंड 2554 कॉलम्स, द टोटल नंबर ऑफ यूनिक टोकन्स और वर्ड्स इन ऑल ऑफ द एंथम्स कंबाइंड। तो अब इस टेबल के किसी भी रो में हम देख सकते हैं कि एक नेशनल एंथम में किस वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। सो नाउ वी हैव सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड अ सेट ऑफ वर्ड्स इनटू अ सेट ऑफ नंबर्स। अब हमारा डेटा फाइनली तैयार है टू अप्लाई द फाइनल ब्रह्मास्त्र, जिससे कंप्यूटर जी एंथम्स को ऑटोमेटिकली ग्रुप कर सकेंगे। और इस स्टेप का नाम है K means clustering. K means clustering मशीन लर्निंग के दुनिया का एक बहुत पावरफुल एल्गोरिथम है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे डेटा को क्लस्टर किया जा सकता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन इंटरनल सिमिलैरिटीज ऑफ द डेटा। K means clustering एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, यानी कि इसको यूज करने के लिए हमें कंप्यूटर को ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसे काम करता है। मान लो यू हैव फ्यू डॉट्स दैट यू वांट टू ग्रुप इनटू फोर बकेट्स। द एल्गोरिथम बिगिंस विद टेकिंग एनी फोर रैंडम पॉइंट्स एंड असाइनिंग द नियरेस्ट पॉइंट्स टू ईच वन ऑफ देम। फिर द सेंटर ऑफ दिस ग्रुप इज कैलकुलेटेड एंड द फोर पॉइंट्स शिफ्ट टू द न्यू सेंटर्स। फिर ये कैलकुलेशंस रिपीटेड होती रहती हैं अंटिल अ क्लस्टरिंग पैटर्न इज एस्टैब्लिश्ड। हम यही करने वाले हैं यहाँ पे, एक्सेप्ट ये डॉट्स की तरह एंथम के बस दो पैरामीटर्स नहीं है, बट बाय अ सेट ऑफ 2544 डेटा पॉइंट्स, वेयर एवरी डेटा पॉइंट इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितने क्लस्टर्स में क्लासिफिकेशन होगा। लेट्स जस्ट गो विद 5। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आई जस्ट वाइब विद 5। दिस इज द मोमेंट वी हैव बीन ऑल वेटिंग फॉर। दिस इज व्हाट द होल वीडियो वाज बिल्डिंग अप टू। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो, एंड इट्स डन। द एल्गोरिथम रन्स सरप्राइजिंगली फास्ट एंड असाइन्स अ क्लस्टर इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4 टू एवरी एंथम, यू नो 0, 1, 2, 3, 4, मेकिंग 5 ग्रुप्स। दिस कॉलम राइट हियर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट कंप्यूटर जी थिंक्स अबाउट ऑल द एल्बम्स। हम हर क्लस्टर के लिए एक वर्ड क्लाउड भी जनरेट कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि सारे कंट्रीज जो इस क्लस्टर में हैं, उनमें कौन से वर्ड्स कॉमन होंगे। अब बस हमें इन नंबर्स को एक मैप पे विजुलाइज करना है एंड देन वी विल बी लुकिंग डायरेक्टली इनटू द माइंड ऑफ द कंप्यूटर। वी विल फाइनली नो व्हिच एंथम्स डज द कंप्यूटर थिंक आर सिमिलर।
Okay, so I did that, and the final map is, drum rolls. I said drum rolls. Ta-da! Look at this map. मुझे हर anthem सुनना नहीं पड़ा. Computer जी ने हमारे लिए एक initial clustering प्रस्तुत कर दिया है. This is all done on the basis of the common words that it saw between these anthems. Alright, now's the fun part. Let's dive into each of these clusters and see which countries did the computer group together. World ke kafi countries, especially in the Western world, are part of the blue cluster. Is cluster ke common words hain land, homeland, fatherland, free, God. So, stereotypically patriotic words that characterize their countries as a father figure. The algorithm has grouped Nepal with the United States with its Star Spangled Banner. Say, can you see by the dawn's early light? This is a heroic anthem jo likhi gayi thi at the time of America's war with Britain. This is the anthem that gave it the classic phrase Land of the Free and Home of the Brave. Therefore, it makes sense that Nepal with the line Veer Haru Ka Raag Tale Swatantra Ra Atala would also get clubbed with it because they have the same vibe. Let's take another random country from the blue cluster, Brazil. Arey, wo anthem nahi hai yaar inka. Notice karo ki isme bhi there are themes of homeland, heroism, son of liberty, mighty arms, ye sare pop kar rahe hain yahan pe. I think agar hame is cluster ka naamkaran karna ho, it should be something like fatherly patriots, because the words here are patriotic, symbolic and heroic. On the flip side, let's come to the pink cluster. Notice karo ki both Sri Lanka and Bangladesh have been grouped automatically together here. And along with them is Russia. Notice karo how it talks about Russia's land, rivers, nature, and it also refers to itself as the motherland, just like Bangladesh and Sri Lanka. Therefore, I think we should call these countries motherly nature cluster, because motherland and nature are very important in their anthems. The third cluster is the yellow cluster, jisme India bhi aata hai. It exists here with United Kingdom and interestingly Tanzania and Malaysia. Did you notice how just like India's anthem, even UK's anthem is addressed to God? By the way, fun fact, do you know ki UK ki anthem change hoti hai from God Save the Queen to God Save the King, depending on whether they have a king or a queen? I feel we can call this cluster the Praise the Lord cluster, kyunki iske sare anthems have God as its central character. Next in line, we have the dark red cluster with China, Niger, Chile, Kenya and France in it. Let's begin with China. Interesting. And now France. Notice karo how both these anthems seem to be packed with military words like courage, bravery, and they overall have a war-like vibe. These are countries that have had experience with revolutions and war in the past. So, very uncreatively, let's call them the mighty military nations. Finally, we come across the green cluster with countries like Saudi Arabia, Iran, Spain, Libya and South Korea in it. This color seems to be common in the Islamic nations. Let's listen to Saudi's anthem. Notice karo ki the common words here are people, flag, nation, freedom, proud. I can't really think of any particular description to use for all these, but because these are stereotypically patriotic words, we can go ahead with the patriots.
So yeah, that was the clustering according to machine learning. I think the algorithm did a good job, but at some places the results are kind of unclear. For example, the Swedish national anthem ko agar hum consider kare, the anthem is classified as a fatherly patriot anthem, but it has elements of motherly nature in it. For example, the sun, sky, meadows, mountains, and so much more. So why exactly did the algorithm club it in cluster 1? Well, you see, we have used an approximate method. First, the choice of the number of clusters, 5, was an arbitrary one. We could get a more accurate result with a higher or a lower number. Also, ye method words ko compare karti hai on the basis of exact matches. It cannot detect if two words have the same meanings or not. For example, strength and power, these are two related words, but is algorithm ke hisab se, they are completely different. We could have gotten a much more accurate result agar hamara algorithm could understand how similar are words in meaning wise. ये किया जा सकता है with another technique called word to vector, which is a supervised learning algorithm. यानी कि यहाँ computer G को पहले से train किया जाता है. For example, computer G, king and queen are related words, so group them together. Versus हाथी और गोलगप्पा, they are not related, so they are different words. But I think overall, मैं इस result से काफी खुश हूँ. It is an interesting project that gives us some rough technique to study interesting correlations in social sciences. The code in this video was taken from the project by Lucas de Sá from Portugal. You can take a look at his code, link in the description box below. अगर आपको ये video interesting लगा, what is wrong with you? You know you're a nerd, right? A big, big nerd. But being a nerd is the new cool thing, so congratulations. To celebrate your new nerdhood, I am happy to announce that we have an official class on Unacademy for all the nerds out there. Drum rolls! Wow, so now the drum rolls play. This is the introduction to data visualization, 12 live classes over 6 weeks that start from July 2nd. Here I will teach you live on how to collect, analyze, visualize and narrate data, how to tell stories with data, all using simple use cases and fun activities. We will learn JavaScript and Python all from scratch. You don't need to know any coding for these courses and I cannot wait for you to join. Please note that students get an extra discount. All you have to do is send your student ID cards to hello@iashreesh.com. I am so excited! Link in the description box below, guys. I will see you in another video. Bye-bye!